नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल भाजपा के युवा नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा कि हैदराबाद में 30,000 रोहिंग्या मुसलमान वोटर बन गए हैं। ओवैसी ने सूर्या पर पलटवार किया है। उन्होंने सूर्या के इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि अगर 30,000 रोहिंग्या मुसलमान वोटर बन गए हैं तो अमित शाह सो रहे थे क्या। इससे पहले ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया था और AIMIM पार्टी के 5 उम्मीदवार जीत हासिल करने में सफल हुए थे। ओवैसी कई मुद्दों को लेकर अक्सर बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। 15 मई 1969 को जन्मे ओवैसी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद लंदन से लॉ की पढ़ाई की है। वह अपने करीबियों में असद भाई के नाम से जाने जाते हैं। ओवैसी की पत्नी फरहीन ओवैसी एक हाउसवाइफ हैं और घर पर रहकर ही परिवार को संभालने का काम करती हैं। दोनों को कुल 6 बच्चे हैं जिसमें 5 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। ओवैसी 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं उनके सबसे छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी इत्तेमाद के संपादक हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पास संपत्ति भी कम नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक ओवैसी के पास 13 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी है। इसमें 12 करोड़ की अचल संपत्ति और 1,67,00,000 रुपये मूल्य की चल संपत्ति है। उस वक्त उन्होंने बताया था कि उनके ऊपर 9,30,00,000 रुपये की देनदारी भी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी की 2 पत्नी होने का दावा किया था जिसे ओवैसी ने सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं का मजाक उड़ाते हुए उनकी दूसरी पत्नी का नाम बताने पर इनाम देने की घोषणा भी की थी। ओवैसी 2 बच्चों की नीति के खिलाफ भी खड़े रहे हैं और इस मुद्दे पर उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत को भी निशाने पर लिया था। अक्सर लंबे शेरवानी पहने हुए नजर आने वाले ओवैसी एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी पहली बार 2004 में लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए थे। राजनीति में आने से पहले ओवैसी खेल में रुचि रखते थे। विजी ट्रॉफी 1994 में साउथ जोन इंटर यूनिवर्सिटी के क्रिकेट टीम में ओवैसी तेज गेंदबाज के तौर पर खेले थे। बाद में वो साउथ जोन यूनिवर्सिटी के क्रिकेट टीम में चयनित भी हो गए थे। प्रोफेशनल जीवन में ओवैसी बैरिस्टर हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने अपने निकटतम प्रत्याशी भाजपा के भगवंत राव को बड़े अंतर से हराया था और तीसरी बार सांसद चुने गए थे। 2019 लोकसभा चुनाव में भी ओवैसी ने जीत हासिल की और सांसद निर्वाचित हुए थे। ओवैसी का हैदराबाद के राजनीति में बहुत ही मजबूत पकड़ है। धीरे धीरे ओवैसी देश के अन्य हिस्सों में भी अपनी राजनीतिक पंख फैला रहे हैं। इसी कड़ी में वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएं और उनकी पार्टी 5 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल हो गई। ओवैसी ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी बंगाल में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ओवैसी का मानना है कि पिछड़े मुस्लिमों को सरकारी नौकरी और पढ़ाई में आरक्षण मिलना चाहिए। उनका कहना है कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है लेकिन हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ है। 2008 में मुंबई हमले के बाद ओवैसी ने कहा था कि जो देश का दुश्मन है वो मुस्लिमों का भी दुश्मन है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद स्थित ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन भी हैं। यह अस्पताल मेडिकल के क्षेत्र में देश का जाना माना अस्पताल है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।